हाँ, क्या नाम है साहब आपका? नाम सुजीत राम है। सुजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ दिल्ली का ही। हाँ? फरीदाबाद भी रहता हूँ लेकिन फरीदाबाद दिल्ली रह रहा हूँ। दिल्ली आ रहे हैं? हाँ, अच्छा रह रहा हूँ दिल्ली पर फरीदाबाद। अच्छा, बोलिए साहब क्या काम करते हैं? काम मेरा आईटी का ही है। आईटी का है? अच्छा, ये जो वीडियो वीडियो बनाते हैं आप, वहाँ आप जैसे को बना भी लेते हैं? जो आप जैसे को बना भी देते हैं, मतलब आप जैसे काफी लोगों का वीडियो बना देते हैं? अच्छा ठीक है, ऐसा ना बना देना कुछ, है ना? ना, ना, ना गलत नहीं, वो स्टिंग वाला नहीं करते। नहीं तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं दिखाने लायक हो। जी जी नहीं ठीक है, नहीं तो मैंने तो देख लिया था ना कैमरा। हाँ मेरे को ध्यान आ गया, कल राहुल जी का मैं बयान सुन रहा था वंशवाद के ऊपर, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। तो मैं मैथ के हिसाब से कैलकुलेशन से, मैथ में होता था ना वो, आप दो से दो काट दो चलाते हैं, तो उन्होंने कहा राजनाथ जी का परिवार देख लो, तो मैं कहा राजनाथ कमलनाथ से इक्वल हो गया ये, लेकिन गांधी जी का अगर देखे परिवार जिस तरह से वंशवाद चला रहे हैं, उनका किससे इक्वल करेंगे बीजेपी से? और दूसरा आप देखिए यादव परिवार, जैसे मुलायम जी का हो गया और अपना लालू जी का, ये इस पूरे खानदान में चाहे बहू हो चाहे बेटी हो चाहे माँ हो, हर कोई ये किस तरीके से मतलब कि इक्वल करते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि हम राजनीति में हमने कुर्बानियां चाहे परिवार जनता ने प्यार दिया तो सत्ता में आ गए। ये कह रहे हैं कि बराबर अगर वंशवाद यहाँ है तो वो कैसे कंपैरिजन, कहाँ से कंपैरिजन हो रहा है? जिसने पूरे 75 साल मतलब राज किया हो, जिस पार्टी ने जहाँ पूरे खानदान को लगा दिया पार्टी में, उसका कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है? परिवारवाद पे मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ जी कैसे हैं? खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, जहाँ पे हो वहीं खड़े रहो। जी बोलिए। देखिए परिवारवाद का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाना हमें समझ में नहीं आता आज के समय में। क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगा है। अरे कांग्रेस एकलौती पार्टी है जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। कांग्रेस में गांधी परिवार से आखिरी प्रधानमंत्री कब 1984 में बने राजीव गांधी, उसके बाद से गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बने। 2004 से 2014 तक अगर कांग्रेस सत्ता में रही, मनमोहन सिंह अर्थ शास्त्री थे, उन्होंने कमान संभाली। तो वो स्थितियां हम लोग, मैं पहले भी कह रहा था कि दूसरे बड़े दलों को अब लेना चाहिए कि वो भी अपने यहाँ पे कांग्रेस की तरह आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों का निर्वाचन करे। हम लोग कोई उम्मीद कर सकते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे? चुनाव हुआ, हम लोगों ने पूरे चुनाव के समय में भी देखा। तो आप देखिए, आप दूसरी चीज कि कांग्रेस के जो परिवारवादी लोग थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी अपने खेमे में ले लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन प्रसाद, गजब है भाई। कभी आप कहते हैं कि आपके यहाँ से कोई आए और यहाँ सफेद हो जाता है, और कभी आप कहते हैं इधर से जाता है तो उधर परिवार हो जाता है। गए बेहतर है आपके। बहरहाल जो भी है, मजेदार तर्क है, चुनाव का वक्त है, बहुत ज्यादा लगा दिया। कहाँ के रहने वाले हो सर? महोबा। महोबा का तो पानी ही जबरदस्त है। तो जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि गांधी परिवार तो बस 84 के बाद तो आए नहीं और आएगा भी नहीं आगे। क्योंकि जैसे इनके ये आपको दिख रहा है, जैसे उनको दिख रहा था, नहीं नहीं इनके जैसे कर्म है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कर्म। अरे ऐसा कैसे बोल दिया आपने? ना 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 आप उन्हें पूछ कि पार्टी का आदमी परिवार से हुआ है, परिवार के अलावा वो कुछ सोचता ही नहीं है। चार लोगों की पार्टी है इनकी और वो सब। अरे सुन लीजिए ना, मैंने ज्यादा बोल दिया। अरे मैंने ज्यादा बोल दिया। आप देखिए जो आप सुनिए जो भी पार्टी केंद्र ओवर पोलराइजेशन हो गया, अगर केंद्र में है तो पैरालाइज पार्टी में इसको बोलती हूँ। क्योंकि आप देखिए ना कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच गए, ये भी तो सोच लीजिए आप। कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? क्या नाम है आपका? आशना यादव। बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ? आजमगढ़ यूपी से। बहुत स्वागत है आपका। और क्या कर रही हैं आप? बीए सेकेंड ईयर। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? एंशियंट पॉलिटी संस्कृत। वाह, प्राचीन भारतीय इतिहास। और जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। यूपीएससी की तैयारी कर मन है लगता है? दिमाग नहीं है उतना। ये मैंने पहली बार सुना कोई कहे कि दिमाग नहीं। नहीं, आपके पास सबसे अच्छा दिमाग है और आप कर सकती हैं, आपने बस सोचा नहीं अभी तक। कुछ बोलने का मन नहीं है, यकीन मानिए आप कर सकती हैं यूपीएससी। कुछ चाहें, कुछ भी करना चाहें कर सकती हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। जी नासिर साहब, आम आदमी पार्टी। जी देखिए प्रतीक जी, 5 राज्यों के चुनाव हैं और ये कांग्रेस तो कह रही 5 राज्यों में पांचों में लड़ेंगे। देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये क्लेम करना चुनाव से पहले बड़ा स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी भी यही क्लेम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी ब्लेम लगा रही है कि भी एक
परिवार की, उनके यहाँ ज्यादा चिंता नहीं, चिंता आपके यहाँ ज्यादा है। नहीं नहीं बिल्कुल, हमारी पार्टी नई नवेली पार्टी है, दिल्ली का जो मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी खुशबू, युवाओं को एजुकेशन चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है, देश में महंगाई कम करने की जरूरत है, वो किसी ने दूर करके दिखाई, दिल्ली के अंदर किसने फ्री यात्रा करके दिखाई, किसने अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करके दिखाई, एक्चुअली अब काम की राजनीति होगी और दिल्ली का जो मॉडल है ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। और आप देखेंगे इन पांचों चुनाव के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल जी की खुशबू आगे बढ़ रही है, ये पूरी तरीके अरविंद केजरीवाल जी की खुशबू बिखरी है। हाँ? किसको किसको बिगाड़ दिया? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे। आप कहाँ बच्चे हैं? नहीं मैं नहीं हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे बिगाड़ दिया? जो मैं पकड़ में नहीं मिलती है, जैसे 50 रुपए मिल गए, 10 रुपए मिल गए, सबने इकट्ठा करा। हाँ। जो सबने इकट्ठा करा उसकी जाके एक की बोतल ली और उसके एक और फ्री ली, सबसे ज्यादा। अच्छा, सारा दिमाग इसी में लगा रहे हो कि कौन कौन इकट्ठा कर रहा है? बच्चा यही काम कर रहा है क्या? अरे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे को पढ़ाई करनी है। आया अब आसमान में खड़े हो जाओगे, मैं नहीं पूछ पाऊंगा जी। मान्यवर, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब से कहना चाहता हूं, आप ही के नेता कहते थे सारी संसद चोर है, इनके नेता ने आरोप लगाया था चुनाव से पहले 2013 में, इन्हीं के नेता ने कहा था अरुण जेटली जी, अरुण जेटली भ्रष्टाचारी बताया था, नितिन गडकरी जी को भ्रष्टाचारी बताया था, कपिल सिब्बल को भ्रष्टाचारी बताया था, और बाद में कोर्ट में जाकर के माफी मांगे। ये कौन सा ईमानदार है भैया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने ही कसम खाया था कि जिंदगी में कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, और पहली ही सरकार गठबंधन लेके कांग्रेस से बनाई। ये कौन सा ईमानदार है भैया, कौन सी खुशबू है इनके अंदर? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात अभी एक रह गई, एक और है, तीसरी एक बात और है। इनके ऊपर एक मुहावरा बढ़िया मिलता है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, साधु से एकदम सत्य बैठता है। भ्रष्टाचारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही लगता है। राजनीति में शुचिता होनी चाहिए और राजनीति में अच्छे लोग होने, और राजनीति में अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, राजनीति में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, एक सेकंड है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक सेकंड आपके पास, रुकिए अभी वेट करिए जी, पहले आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी उसके बाद। मैं एक रिप्लाई देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की बात बहुत बार चली है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे स्कैम का जो ढोलक बजाया गया है बीजेपी द्वारा, वो सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार टिप्पणी की है कि आप बताइए एक नए पैसे का कहीं भ्रष्टाचार हो? अगर कोई ईमानदारी से राजनीति करेगा, इतनी सारी योजना, वेलफेयर योजना चलने के बावजूद दिल्ली का बजट प्रॉफिट का इसलिए है क्योंकि ईमानदारी की राजनीति अगर कोई करता है, ईमानदारी की रा...